हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुरभि चौबे आप सबका निखिल क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि क्लास 10th का जो आपका एनसीईआरटी बेस्ट सिलेबस है उसमें बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स आते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें बताया था चार चैप्टर्स थे, तो चार चैप्टर से जो आपका पहला चैप्टर था वो था आपका जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस। इसी से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लाइव प्रोसेस मतलब वो होता है जिसके जिसमें कि किसी जीवधारी को जीवित रहने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, जिन भी चीजों की जरूरत उनको पड़ती है, उसी को जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब इसका आप लोगों को बता देते हैं, मतलब वे सभी चीजें जो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे मिलकर, मतलब आप लोगों को डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा कि जीवधारियों मतलब आपके जीवन में जो भी चक्र होते हैं जिसकी वजह से आप जीवित रहते हैं, इसमें चार चक्र होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका पोषण। पोषण मतलब, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपको जीवित रहने के लिए, पूरे जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जिस भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनको पोषण बोलते हैं। जैसे पोषण में क्या क्या आ जाता है, तो आपके पोषण में आ जाता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें। एक जीवधारियों को, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है। आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके भोजन के साथ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें जाती हैं। जाने के बाद फिर जब आपके एलिमेंट्री कैनाल में हो जाता है तो फिर वहां पर जाने के बाद भोजन अलग और आपके ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें उससे अलग होकर ब्लड के थ्रू आपके माइंड टू आपके फुट तक, आपके पैरों तक, हर जगह वो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं जिससे वजह से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसी को पोषण बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मनुष्यों के पोषण के बारे में बताया। दूसरा होता है पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण कैसे होता है, तो फ्रेंड्स पादपों में पोषण आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, फिर भी बता देते हैं। जब पौधे क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पर्ण हरिम नाम का एक तत्व होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, भोजन, ग्लूकोज बनाते हैं। वो आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाते हैं और शर्करा के, आई मीन मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में आपके एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से पादपों को, मतलब पौधों को एनर्जी मिलती है। इसी वजह से क्या होता है, उनका वृद्धि और विकास होता है। तो पोषण ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कि मनुष्यों में और पादपों में, मतलब पौधों में, मनुष्यों में, हर में, जीवों में, जंतुओं में वृद्धि होता है, विकास होता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि जब तक आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन मिले लेकिन भोजन के साथ अगर आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें ना मिले तो क्या होता है, आपका जो शरीर होता है ना वो वृद्धि कर पाता है और ना ही विकास कर पाता है। ना ही कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि वो हाइट में तो होते हैं पर मोटे नहीं होते हैं, वो हाइट में होते हैं मोटे भी होते हैं बट उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा पोषण की कमी होती है। तो कोई बात नहीं, आज ही आप लोगों को पोषण बता दिया। जो इसमें दूसरा होता है जैव प्रक्रम में, तो वो दूसरा होता है श्वसन। श्वसन, श्वसन होता है, श्वसन के बारे में आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं श्वसन सब करते हैं, पौधे, जंतु और हम लोग, मतलब ह्यूमन बींग्स, सभी लोग श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हम लोग
जीवित रहते हैं। श्वसन करने में क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन आप लोगों को हमने अपने पिछले वीडियोस में, पिछले क्या, जब आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग वीडियोस दे रहे थे, तब उस टाइम आप लोगों को हमने इन सारे टॉपिक्स पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप लोगों को बताया था। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में, होल बॉडी में पहुंचता कैसे, आप लोगों को हमने ये बताया था। आप लोग हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ऑक्सीजन एक्चुअली होता है कि ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो आप लोगों को पता है हमारे आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कि आरबीसी आपका लाल होता है, आपका खून लाल होता है। तो ये क्या करता है, आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके होल बॉडी में, आपके होल बॉडी में ये ट्रैवल करता है, आपके होल बॉडी में O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रेवल करता है, ठीक है। इसी की वजह से आपके पूरे बॉडी में, आपके सर से लेके पांव तक ऑक्सीजन पूरा पहुंचता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप लोग जानते हैं जब सांस की प्रॉब्लम होती है तो इसी की वजह से लोगों को अस्थमा होता है। किसकी वजह से, बस ऑक्सीजन की कमी के वजह से। इसमें जो तीसरा चरण होता है, वो तीसरा चरण होता है आपका परिवहन का। और ये परिवहन क्या है, मतलब सर्कुलेशन। तो जो इसमें परिवहन होता है ये आपका तीसरा चरण होता है। और सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आप, जैसे अभी बताया, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आपके होल बॉडी में ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से कि आपको ऑक्सीजन आपके ब्लड के एक एक पार्ट में मिल जाता है। तो सर्कुलेशन बस यही चीज़ है। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, घूमना। और सर्कुलेशन चीज़ मतलब आपकी यही, आप लोगों को आगे वीडियो में ये अच्छे से विस्तार से बताएंगे। अब इसमें जो चौथा होता है, चौथा पार्ट होता है, तो ये जो चौथा पार्ट आपका होता है ये होता है उत्सर्जन। मतलब उत्सर्जन किससे रिलेटेड है, ये आपके पोषण से रिलेटेड है। जब आप खाएंगे, जब मैंने जैसे आप लोगों को पोषण में भी पहले बताया था कि जब आप लेते हैं भोजन अंदर, तो फिर उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है, ये ब्लड क्या करता है, इसको शक करके खींच कर अलग निकाल लेता है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर देता है। तो वही जो बाकी का पार्ट होता है वो वेस्टेज होता है, तो वो आपके मल द्वार द्वारा निकल जाता है, इसी को आपको उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैव प्रक्रिया में आज हमने ये सारी चीज़ें बताई जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी आज के लिए ये पढ़ लो। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग आपको दूसरे टॉपिक पर, जो कि है दंत विन्यास, मनुष्य में दंत विन्यास कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड बाय बाय।